रमदान एक ऐसा मौसम है जिसके अंदर हम अपने उस गोल को बेहतरीन तरीके से हासिल कर सकते हैं। कौन सा गोल? अल्लाह ताला ने हमें गोल दिया सूरह बकरा आयत नंबर 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजा मुकर्रर किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा तुमसे पहले वालों पर मुकर्रर किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम तकवा सीख लो। ये गोल है, तकवा परहेजगारी तुम सीख लो, तकवा सीखना गोल है। और शेख अब्दुल शकूर इंशाल्लाह मेरे बाद तकवा, रमदान और तकवे के मौजू पर इंशाल्लाह बहुत सी बातें आपके सामने रखने वाले हैं, आयात हदीस। लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल मेरा यह है कि रमदान का मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा सीख लो, लेकिन हम देखते हैं कि तकवे के ताल्लुक से मुसलमानों का जो तकवे का लेवल है बहुत कम है। आमतौर पर मुसलमानों का तकवे का लेवल बहुत कम है, तो क्या लअल्लकुम तत्तकून तकवा सीखने वाला महीना मिला नहीं उनको? मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, कई मिले हैं। आप रस्ते चलते किसी भी मुसलमान को पूछो, भाई कितनी रमदान देखे हो अब तक शुहूर वाली, तो हर किसी का कोई ना कोई आंसर है, बहुत रमदान देखे हैं। लेकिन तकवा आम मुस्लिम माशरे में क्यों कम दिख रहा है? यानी तकवा सीखने वाला महीना आया गया आया गया आया गया, लेकिन तकवा नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? कोई सवाल उठता है। तो बुनियादी बात क्या है? देखिए, तकवे का ताल्लुक एक्चुअली ईमान से है। तकवा परहेजगारी आदमी तब इख्तियार करेगा जब उसका ईमान हो। इसीलिए आमनु व कानू या तकोन, ये कुरान में ईमान और तकवा का ताल्लुक बार बार जिक्र है। ईमान से ताल्लुक है तकवे का। मतलब मैं आपके सामने बात ये रख रहा हूं ना मेरे भाइयों, तकवा चाहिए नहीं ना तो मिलने वाला भी नहीं। एक और रमदान आएगी जाएगी और कोई तकवा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तकवा चाहिए नहीं तो आने वाला भी नहीं है। मतलब हम क्या समझ रहे हैं? क्या ये समझ रहे हैं कि रमदान आएगी और कुछ ऐसा जादू सा हो जाएगा, बिल्कुल चाहिए नहीं तो भी तकवा मार पीट के अंदर अंदर आ जाएगा? मतलब एक सोचिए, जैसे बारिश जोरदार हो रही है, एक बाल्टी है आपके पास, लेकिन बाल्टी उल्टी है तो उसमें कुछ भी पानी नहीं भरने वाला है, चाहे कितनी भी जोरदार बारिश हो जाए। तो रमदान में अल्लाह की रहमतें बरसेगी, तकवा सीखेंगे, लअल्लकुम तत्तकून तकवा सीखने वाला महीना है। लेकिन एक इंसान अगर चाहता ही नहीं है तकवा, तो रमदान आएगी और चले जाएगी, उसको कोई तकवा नहीं मिलेगा। यानी इसमें दिल को ओपन करना होता है, दिल को खोलना होता है तकवे के लिए, तो जाके तकवा मिलने का चांस है। मतलब क्या है? दिल से चाहना, मुझे चाहिए तकवा। बहुत से लोग तो पहले से ओपनली बोलते हैं तकवा नहीं चाहिए भाई, ये सब तकवा वगैरह हमें नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं औज़ु बिल्लाह, अल्लाह मुस्तान। मतलब बाज़ लोग ऐसा बोलते हैं, समझते हैं तकवा यानी कि बहुत हाई लेवल, हम तो नॉर्मल लोग हैं, तकवा बहुत ऊंचा। लेकिन हकीकत यह है कि जन्नत में एंट्री है तकवे वालों की। हाँ, जन्नत में एंट्री है तकवे वालों की। वाज़े कुरान की आयतें हैं, उद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत तैयार कर रखी है तकवे वालों के लिए अल्लाह ने, सबके लिए नहीं है, तकवे वालों के लिए।